साथ जो मोदी जी को टक्कर दे दे। किसी से भी टक्कर खा लें गिर जाएंगे, किसी से भी खा लें, केजरीवाल से खा लें, राहुल गांधी से खा लें, ममता बनर्जी से खा लें, अपनी पार्टी में नितिन गडकरी से खा लें, ठीक, और ठीक है अखिलेश यादव से खा लें, किसी से खा लें। मोदी जी ने देश के किसी भी छोटे से छोटे नेता के मुकाबले भी काम नहीं किया। सब बात करते कि मोदी जी चाय बेचते थे, किसी ने नहीं देखा। मोदी जी देश बेच रहे लेकिन कोई नहीं बोलता इसके बारे में। जो चीज वो बेच रहे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और जो चीज वो बेचते थे कोई देखा नहीं, लेकिन सब बोलता मोदी जी ने चाय बेचा। आज पूरा देश बेच रहे लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तमाम लोग राजनीति है। अरे भैया भैया थोड़ा बात करने दो। अभी अभी आपने बोला कि मोदी जी चाय बेचते थे पर किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब बात करते मोदी जी चाय बेचते थे तो बताते हैं मंच। सब बात करते कि मोदी जी चाय बेचते थे, किसी ने नहीं देखा। मोदी जी देश बेच रहे लेकिन कोई नहीं बोलता इसके बारे में। जो चीज वो बेच रहे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और जो चीज वो बेचते थे कोई देखा नहीं, लेकिन सब बोलता मोदी जी ने चाय बेचा। आज पूरा देश बेच रहे लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तमाम लोग राजनीति है। अरे भैया आप भी बात करेंगे कुछ? हाँ साथी कुछ बात करें। अरे यार रोल दो। अच्छा इधर आएगा, इधर है। हाँ नहीं तो मुझे कौन है यहाँ, बीजेपी वाला कौन है? आप कौन से वाले हैं पहले बता दीजिए। नहीं मैं इंडिया वाला हूँ। इंडिया वाले कौन सा इंडिया? गठबंधन जो इंडिया के प्रांत प्रांत कोटि कोटि से प्यार करता है। यार आ जाता है कोई है जो बीजेपी को साथ सपोर्ट कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा डर आ जाएगा। चलिए डर का है, ये सब में बात नहीं करते हम। क्यों बड़े नेता है क्या? नहीं नेता का नहीं बात है, बीजेपी के नेता तो मिलने चाहिए गरीबों। नहीं मारो वोट उसी को मारो, इधर उधर कुछ नहीं मत मारो। बात मत करो सीधा वोट दे दो। वोट दो बात मत करो भाई, बता कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। संतरी नेकर, संतरी नेकर मिला। अरे एक दो के वोट देने से कुछ नहीं होगा, आम जनता एक तरफ है। हाँ मोदी जी तो आज ही कहे थे कि मेरा कुछ भी खुद का नहीं है, सब कुछ देश के लिए है, देश का है। ये बात सच बोली उन्होंने, ये बात सच बोली। सारा पैसा जनता का खाया उस आदमी ने, उसके उस आदमी के कपड़े भी जनता के, हर एक चीज जनता का लिया। उस आदमी का कुछ है ही नहीं, जो भी लूटा जनता का लूटा, ये सच बोला उस आदमी ने। और वापस कब करेंगे ये पूछ लो बस। कोई नेता बता दीजिए। चलिए कोई है ऐसा जो मोदी जी को टक्कर दे दे, जो इंडिया को हरा दे, एनडीए गठबंधन को हरा दे। किसी से भी टक्कर खा लें गिर जाएंगे, किसी से भी खा लें, केजरीवाल से खा लें, राहुल गांधी से खा लें, ममता बनर्जी से खा लें, अपनी पार्टी में नितिन गडकरी से खा लें, ठीक, और ठीक है अखिलेश यादव से खा लें, किसी से खा लें। मोदी जी ने देश के किसी भी छोटे से छोटे नेता के मुकाबले भी काम नहीं किया, किसी भी छोटे से छोटे नेता के मुकाबले। ना अखिलेश यादव के खिलाफ के बराबर काम किया, ना अरविंद केजरीवाल के बराबर, अरविंद केजरीवाल छोड़ो मनीष सिसोदिया के बराबर नहीं किया, ठीक है। भ्रष्टाचार इसीलिए जेल में है, बताओ जेल में आपके। और अमित शाह जेल में भ्रष्टाचारी, और बता रहे अब वो देखो केजरीवाल, केजरीवाल के बहुत अच्छे बोलते हो। केजरीवाल जब आए थे तो क्या बोले थे कि मुझे ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना शासन चाहिए। अब आज देखो उनके, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। झूठे जेल में, फालतू का जेल में। स्कूल तो बनाए हैं उसने भाई, स्कूल नहीं बनाए क्या? अरे स्कूल बनाई, सब बनाई, तो जेल में क्यों गए ये बता दो ना। बीजेपी के षड्यंत्र की वजह से गए, फर्जीवाड़े से गए, पुलिस पुलिस बीजेपी की गारंटी दे रहे हैं भाई। यार यार यूपी का सवाल है मोदी जी, बेच दिया उन्होंने। अरे भैया ठीक है चलेगा, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही, तो भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। तो गौतम अडानी पे कार्यवाही कब होगी अगर भ्रष्टाचारी पे कार्यवाही हो रही है? तो पीएम मोदी अपने आप पे कार्रवाई कब करेंगे? पीएम मोदी अपने आप पे कार्रवाई कब करेंगे? पीएम केयर फंड के मामले में, ठीक, नोटबंदी में, नोटबंदी में कार्रवाई कब करेंगे? पहले सरकार थी ना, कार्रवाई करना चाहिए था, उस समय घोटाला नहीं किया था, उस समय ईडी नहीं था, सीबीआई नहीं था। इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बड़े चुनाव आ रहा है, विधानसभा भी है, लोकसभा भी। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बता दूं, जय श्री राम, यही मुद्दा है। लोग पगला गए, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है जय श्री राम। उसके बाद कुछ नहीं काम धाम, बस और कुछ नहीं, ठीक। बेरोजगारी महंगाई। अच्छा ये नौबत क्यों आया? सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी था, था? सुनो है तो ये नौमत कैसे आ गया कि भाई? अब भी है, अब भी कांग्रेस, जैसा कि भाई ने बोला,
कांग्रेस का लुप्त यूपीए से प्रसिद्ध था, अब इंडिया उसको लुप्त मंदिर के बाहर बैठने के लिए तमाम जनता के बीच आज जान रही हूँ कि 24 का चुनाव है तो भैया जनता कितनी तैयार है, नेता तो तैयार हो गए हैं भैया।